डियर स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आज हम प्रैक्टिकली हम इस जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और हम आज करेंगे मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करते हैं और जब हम एक से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं। आज के वीडियो में अपन ये देखेंगे कि जब अपन एक ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो एक हमें समरी बना लेनी चाहिए। उसमें आप देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए हमारे पास, स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए क्वेश्चन में गिवन, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। ये चार चीजें जब आपके पास होंगी तभी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, ये कभी क्वेश्चन में दे रखा होगा कभी नहीं दे रखा होगा, इसको कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। यदि ये गिवन होगा तभी अपन इसको यूज करेंगे, अदर अपन इसको यूज नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको दे रखा है 1000 किलो। इसके बाद स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड प्राइस नहीं दे रखी, बल्कि स्टैंडर्ड प्राइस के लिए हमें बता रखी है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की सहायता से हम स्टैंडर्ड प्राइस निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें बता रखी है 4000 रुपीज। यदि हम क्वांटिटी को इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस आ जाती है 4000 डिवाइडेड बाय 1000 किलो, 4 रुपीज पर केजी हमारी स्टैंडर्ड प्राइस हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें बता रखा है 4725 रुपये, और एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल हमें बता रखा है 4.50 रुपये पर केजी। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो हम एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। और यदि हम एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 4725 डिवाइडेड बाय 4.50 रुपये कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्चुअल क्वांटिटी 4725 को अपन 4.50 रुपये से यदि अपन डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1050 किलो। क्वेश्चन में हमें बस इतना ही दे रखा है, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम या तो हम दोनों की एक सेम मान लें, लेकिन सेम मानेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहला जो वेरियंस निकलता है वो होता है मेटीरियल कॉस्ट वेरियंस। मेटीरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालनी पड़ती है मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट और मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट। लेकिन यहाँ पे एस और ए और नहीं दे रखा, तो हम जो हमारी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है उसे ही लिख लेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी हमारी 1000 किलो, रेट थी हमारी 4 रुपये माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी थी हमारी 1050 मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस थी 4.50 रुपये। तो 4000 माइनस 4725 = 725। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, यदि कभी भी हमारा नेगेटिव आता है तो उसके लिए माइनस का साइन नहीं लगाया जाता है, बल्कि हम ए लिखेंगे। ए का मतलब होता है एडवर्स या नेगेटिव। फिर दूसरा हम वेरिएंस निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है 1050, स्टैंडर्ड प्राइस थी 4 रुपये और एक्चुअल प्राइस थी मेरी 4.50 रुपये। तो 4 रुपये में से 4.50 रुपये गया, तो हमारा 50 पैसे मल्टीप्लाई 1050 करेंगे
तो आपका आ जाएगा 525, ये भी आपका एडवर्स ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। तीसरा वेरिएंस जो निकाला जाता है वो होता है हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000 किलो, स्टैंडर्ड प्राइस थी, सॉरी ये फॉर्मूला उल्टा हो गया हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1000 और ये 1050, तो 200 एडवर्स। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज इक्वल्स टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस था हमारा 725 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस था 525 एडवर्स प्लस 200 एडवर्स, और 725 एडवर्स इज इक्वल्स टू 725 एडवर्स, बराबर हो गया। वेरिफिकेशन में हमेशा ध्यान रखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम में हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ी, हमें स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस, पहले हमने स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करी और फिर हमने एक्चुअल क्वांटिटी को कैलकुलेट किया। लेकिन कई बार हमारी जो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उसमें हमें एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दे रखी होगी और उसकी जगह हमें ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा, तो उसकी सहायता से हम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड निकाल सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हम एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकाल लेंगे। लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें एक बात का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी ओपनिंग स्टॉक में प्राइस दे रखी है और जो हमने करंट ईयर में माल परचेज किया है वो दोनों प्राइस सेम है या दोनों प्राइस अलग अलग है। यदि हमारी दोनों प्राइस अलग अलग होती हैं तो ऐसी स्थिति में हम जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो उस समय हमें कॉस्ट वेरिएंस निकालते समय, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकालते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते समय भी हमें दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको अपन एक प्रॉब्लम की सहायता से समझ लेते हैं। आपकी बुक का है ये इलस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम निकालने का तरीका होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक बता रखा है 500 किलो, हमने परचेज किया था 2000 किलो और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो था 600 किलो, तो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हो गया 1900 किलो। 1900 किलो का मेरा मतलब है कि 500 किलो तो इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक शामिल कर लिया और जो रिमेनिंग 1400 बचा वो मेरा है ड्यूरिंग द ईयर में जो मैंने माल परचेज करा उसमें से सिर्फ मैंने 1400 किलो माल को यूज किया, तो ये परचेजेस का हो गया। इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक है उसके लिए तो मुझे प्राइस बता रखी है कि ये जो माल है हमारे पास वो हमने 11 रुपए में खरीदा था, लेकिन जो हमने माल इस वर्ष में परचेज किया उसकी प्राइस है मेरी 12 रुपए। तो सबसे पहला जो वेरिएंस निकालेंगे हमारा होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में हमें गिवन है 2100 किलो और रेट इसमें हमें बता रखी है 10 रुपए माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी के लिए हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो टोटल तो 1900 है, लेकिन 500 तो मेरा ओपनिंग स्टॉक है जिसमें हमने 11 रुपए में माल परचेज कर रखा है और 1400 है हमारा 12 रुपए का। तो आपका ये होगा 21000 माइनस, इन दोनों को अपन अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, 5500 और
ये होगा मेरा 16,800 और 21,000 माइनस 22,300 और ये हो गया मेरा 1,300 एंड बस। इसके बाद दूसरा वेरिएंस निकलेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल। यहाँ पे भी हम इसी बात का ध्यान रखेंगे, जब हमने एक्चुअल क्वांटिटी लिखी तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मेरी 1900 है, लेकिन मैं 500 और 1400 को अलग अलग करके लिखूंगी, 500 और 1400। स्टैंडर्ड प्राइस दोनों में समान ही आएगी 10-10 रुपए, और एक्चुअल प्राइस आएगी एक बार 11 रुपए और दूसरी बार 12 रुपए। तो क्योंकि 500 रुपए का जो हमारी क्वांटिटी थी उसमें हमने एक्चुअल प्राइस रखी 11 रुपए, और जो हमारा 1400 क्वांटिटी थी उसमें हमने रखी 12 रुपए। तो ये हुआ आपका 500 एडवर्स, और दूसरी बार हो गया हमारा 2800 एडवर्स, 3300 एडवर्स। ये हो गया 3300 एडवर्स। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद हम निकालेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है हमारी 10 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 2100। अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी को हम दोनों को कंबाइन लिख लेंगे क्योंकि हमारा रेट का कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं है। और आप यदि कहें कि हम अलग अलग करना चाहें तो हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो हमें कंबाइंड दे रखी है। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो आपकी है यहाँ पे टोटल है देंगे 1900, और ये हो गया हमारा 2000 फेवरेबल। जब हमारे पॉजिटिव आएगा तो हम लिखेंगे F, और जब नेगेटिव आता है तो हम लिखते हैं A। और अब हम इसका फिर से करेंगे वेरिफिकेशन। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। और जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो हमारा आया था 1300 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस था 3300 एडवर्स, प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस था हमारा 2000 फेवरेबल, और ये हो गया हमारा 1300 एडवर्स इज इक्वल्स टू 1300 एडवर्स। हमेशा ध्यान रखिए क्वेश्चन में वेरिफिकेशन के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी हम हमेशा वेरिफिकेशन निकाल के ही आएंगे। थैंक यू।